हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। देखिएगा, हमने कल वीडियो बनाया था कुल 50 टॉपिक पे। जी हां, इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक आप पढ़ लीजिए, उतने में आपके बोर्ड परीक्षा में, जी हां बोर्ड परीक्षा में आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। उस 50 टॉपिक का वीडियो इसी में इंक्लूड रहेगा। कौन सा रहेगा मैं उसको आपको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, लेकिन जितने भी वीडियो आज से शुरू होने वाली है सारा का सारा पढ़ना है आपके। सारा सारा इसमें मैं पूरा पूरा सिलेबस कवर करूंगा, हर एक पॉइंट को लूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सारी सारी चीजें को लूंगा, जहां पे आपको फिगर की जरूरत पड़ेगी चित्र की, वहां पे मैं चित्र भी बनाऊंगा, और जहां पे आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी वहां पे आपको अच्छे से सारी चीजों को पॉइंट वाइज करके मैं समझाऊंगा। तो इसकी बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है, डेली की जो पीडीएफ है, यानी कि इसकी जो पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगी कहाँ पे, वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम क्या है? सारा पीडीएफ फ्री मिलता है नोट्स। टेलीग्राम का नाम है एस के एम स्टडी। टेलीग्राम से आप जाके वहां से इसकी पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सारा सारा हेडिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इसलिए बिल्कुल आप चैनल से जुड़े रहिए। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को क्या कर लेंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो हम शुरू करेंगे जीवों में जन्म, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी हेडिंग वाइज हेडिंग करके पूरा पूरा मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूं। बस आपको केवल और केवल तैयारी करना बचे, बस इसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा ताकि आपका बोर्ड में पूरा पूरा यहाँ पे सिलेबस कवर हो सके, ठीक है ना। तो आपका सबसे पहला जो चैप्टर है वो है जीवों में जन्म, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें सबसे पहला ही आ जाता है कि जनन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, जनन किसे कहते हैं। तो ये देखिए, जो क्या होते हैं जनक, जनक मतलब आपको पता होगा, जनक जो माँ बाप होते हैं, ये मान लीजिए क्या हो गए, ये आपके पिताजी हो गए और ये आपके क्या हो गए, ये आपकी माताजी हो गई। ये आपकी क्या है, ये माताजी है। यानी कि ये कह सकते हैं मेल है, ये कोई नर है, और ये क्या है, कोई मादा है। जब नर और मादा आपस में मिलकर यानी जब ये आपस में मिलेंगे तो एक क्या बनाएंगे, एक बच्चे का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। एक बच्चे का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, यानी कि ये क्या है, संतान है। इनकी यही तो संतान होती है ना। जब नर और मादा आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं इसी क्रिया को, जनन कहा जाता है। तो जनन क्या होता है, जनन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जनन किसे कहते हैं, जनन का सीधा परिभाषा आपको देना है, जब नर और मादा दोनों मिलके क्या उत्पन्न करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, जनन कहते हैं। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, जनन कहा जाता है। तो जनन की एक्चुअली में परिभाषा क्या हो जाएगी, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो आपको सीधा बता देना है, जनन की परिभाषा क्या हो जाएगी, जब नर और मादा आपस में संलयन की क्रिया करके संतान पैदा करते हैं, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहा जाता है। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है। तो जनन की सीधा हम लोग परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे जनन की परिभाषा, जीवों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो जनन क्या होता है, जीवों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं पिता और माता, यानी कि नर और मादा आपस में संयुक्त होकर क्या उत्पन्न कर रही है, संतान उत्पन्न कर रही है। इसी क्रिया को क्या कहेंगे, जनन कहेंगे। अथवा में आप दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, जब नर और मादा आपस में संयुक्त होकर या फिर जुड़कर आपस में संयुक्त होकर
होकर संतान उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, इसी क्रिया को जन्म कहते हैं, इसी क्रिया को जनन कहते हैं। तो जनन क्या होता है, आपको सीधा परिभाषा बता देनी है, जीवों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं, जीवों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा क्या लिखेंगे, जब नर और मादा आपस में क्या करते हैं, संयुक्त होकर संतान उत्पन्न करते हैं, इसी क्रिया को क्या कहा जाता है। अब आपके एक माइंड में चीज आएगी कि आखिरकार सर हमें जनन की जरूरत क्यों पड़ी। आखिरकार आपके मन में आएगा ना कि जनन की जरूरत क्यों पड़ी, आखिरकार हम ऐसे ही अपने बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आगे ले जा सकते हैं, जनन की जरूरत क्यों पड़ी, आपके मन में ये सवाल आना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि जनन का क्या क्या उद्देश्य होता है, जनन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं उसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो जनन के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री प्रोडक्शन, मान लीजिए आप इसका अगर इंग्लिश मीनिंग जानना चाहते लिख लीजिए, क्या हो जाएगा इंग्लिश में, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन के उद्देश्य, जनन के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो जनन का जो सबसे पहला उद्देश्य आपका निकल के आएगा वो आएगा जात की निरंतरता, किसकी, जात की निरंतरता के लिए, किसके लिए, जात की निरंतरता। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे जनन द्वारा ही जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहती है, जनन के द्वारा ही जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहती है, ठीक है। तो जात की निरंतरता बनाने के लिए भी जनन का महत्व होता है, यानी जनन का उद्देश्य है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा लिखेंगे जाति वृद्धि के लिए, किसके लिए, जाति वृद्धि के लिए। कभी कभी आपके वाइबा में पूछ लिया जाता है, जब आपका बायोलॉजी का वाइबा है तो पूछ लेते हैं कि जनन के उद्देश्य बताओ, तो पहली जात की निरंतरता, दूसरी जात वृद्धि के, यानी समष्टि में उपस्थित जीवों में जन द्वारा जाति के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि जनन के द्वारा ही जीवों के जाति में वृद्धि होती है, किसके द्वारा, जनन के द्वारा ही जो जीवों के जात में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये जितने भी आपके पॉइंट है काफी आईएमपी वाले पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए चौथा आपका क्या हो, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा विभिन्नता के लिए, किसके लिए, विभिन्नता के लिए। इसमें क्या लिखेंगे, जनन के द्वारा ही उत्पन्न संततियों में विभिन्नता पाई जाती है। तो विभिन्नता के लिए भी जनन आवश्यक होता है, ठीक है ना, ये भी लिख लेंगे। तो ये आपके क्या हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। इसमें मैंने सबसे पहले बताया आपका, सबसे मैंने क्या बताया कि जनन क्या है, जनन किसे कहते हैं। तो जनन की आपको सीधा परिभाषा लिखी है, जब नर और मादा आपस में संयुक्त होकर संतान उत्पन्न करते हैं तो उसे हम लोग जनन कहते हैं, या फिर जब नर और मादा
आपस में संयुक्त होकर संतान उत्पन्न करती है, तो इस क्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। फिर जनन की जरूरत क्यों पड़ी, जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आपको सीधा लिखेंगे यहाँ पे जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी, लेकिन उसके पहले हम लोग चलिए परिभाषा देख लेंगे क्या लिखेंगे। जीवों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं, अथवा दूसरी परिभाषा क्या लिखेंगे, जब नर और मादा आपस में संयुक्त होकर संतान उत्पन्न करते हैं तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, जनन कहते हैं। फिर बात करते हैं जनन के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के क्या क्या उद्देश्य है, तो सबसे पहला उद्देश्य है जात की निरंतरता के लिए, यानी जनन के द्वारा ही जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहती है। दूसरा जाति वृद्धि, यानी जनन के द्वारा ही जीवों के जाति में क्या होती है, वृद्धि होती है। और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, विभिन्नता, यानी कि जनन के द्वारा ही उत्पन्न संततियों में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है ना, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसका जो पीडीएफ है नोट्स है कंप्लीट में आपको टेलीग्राम एसकेएम स्टडी में भेज दिया हूँ, जाके टेलीग्राम एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।